मिडिल ईस्ट जंग के मैदान में बदल गया है। यहाँ बड़े पैमाने पर कभी भी जंग छिड़ सकती है, जो कि वर्ल्ड वॉर जितनी घातक हो सकती है। एक ओर इसराइल की सेना ने गाजा शहर और दक्षिणी लेबनान में हमला करना जारी रखा है, तो वहीं दूसरी ओर हमास और उसके प्रतिरोधी गुट इसराइल के नाक में दम किए हुए हैं। इस कड़ी में अब इजरायली बलों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हिजबुल्ला है, जो लगातार अपने हमलों से उत्तरी इसराइल में तबाही फैला रहा है। हालांकि इसराइल भी इस कड़ी में पीछे नहीं है, लेकिन जिस तरह से दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, उससे ये बात साफ है कि ये जंग इतनी आसानी से किसी एक के पक्ष में नहीं होगी। इसराइल ने जुलाई के अंत में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फौज शुकूर को मार गिराया था, और यही वो हमला था जिसने इसराइल और हिजबुल्ला के बीच दुश्मनी की दीवार को और ज्यादा पक्का कर दिया। फौज शुकुर की मौत के बाद से हिजबुल्ला बदला लेने के लिए लगातार इसराइल पर ड्रोन, रॉकेट और बम बरसा रहा है, और इसी कड़ी में एक बार फिर से हिजबुल्ला ने इसराइल के इलाकों को दहला दिया है। हिजबुल्ला ने शहीद कमांडर फौज शुकूर की हत्या के जवाब में कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ड्रोन लॉन्च किए। इसके साथ ही प्रतिरोधी ने उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में कब्जे वाले बलों से संबंधित कई स्थलों, सैन्य बैरकों और आयरन डोम प्रतिष्ठानों पर मिसाइलों की भारी बारिश की है। हिजबुल्ला ने आगे कहा कि ये सैन्य अभियान कुछ समय तक जारी रहेंगे, जिसके बाद एक व्यापक बयान जारी किया जाएगा। इस बीच हिजबुल्ला ने एक बयान जारी कर कहा कि हम दोषियों से बदला जरूर लेंगे। इसके साथ ही हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर ड्रोन से एक साथ करीब 320 हमले किए हैं और उनके 11 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया है। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हिजबुल्ला ने कहा कि उसने अपने सैन्य कमांडर फुआद शुकूर की हत्या के जवाब में यह हमला किया है। हिजबुल्ला ने तमाम हमले उत्तरी इसराइल में किए हैं। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ बदले की कार्रवाई का भी ऐलान किया है। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने भी लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, साथ ही देश में 48 घंटों की इमरजेंसी घोषित कर दी है। तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस हमले के जवाब में नेतन्याहू ने बैठक की है और हालात का जायजा लिया। सुरक्षा कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आज सुबह हमें इसराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्ला के प्लान की जानकारी मिली है। לפנות בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. צה"ל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים. הוא חיסל אלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים. פועל בעוצמה גדולה, הן בהגנה והן בהתקפה. אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נחושים לעשות הכל כדי להגן על המדינה שלנו, להחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם, ולהמשיך לקיים כלל פשוט. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים. एक तरफ नेतन्याहू हिजबुल्ला पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में सफल लक्ष्यों की एक लिस्ट साझा की है, जिसमें मेरोन बेस, नफ्ताली जीव तोपखाने की स्थिति, जैतन बेस, जोरा तोपखाने की स्थिति, अल साहिल बेस, कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स में किला बैरक पर हमले की बात कही गई है।